नमस्कार भाई साहब, आज मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे भाई, ये वीडियो कट मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, एक मशीन बनने के लिए आया हुआ हमारे पास, देख लीजिए, यहाँ पे रिपेयरिंग भी करता हूँ। तो यहाँ पे बनने के लिए आया हुआ है, तो इस मशीन में क्या कमी है आप देख लीजिए। पहले ये बार बार टाका छोड़ देता है, तो देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इतना इतना बड़ा बड़ा टाका छोड़ दिया, देख लीजिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए कहीं कहीं सिलाई होता है और कहीं कहीं देख लीजिए टाका छोड़ देता है, देख लीजिए। तो अगर इस प्रकार आपके घर पे सिलाई मशीन में कमी है तो मेरे भाई हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आप सही कर सकते हैं अपने घर पे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे भाई, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, एक हमारा ब्लॉग चैनल है, रवि ब्लॉग के नाम से है, उस पर भी अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि आपका सिलाई मशीन बार बार टाका छोड़ रहा है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। देख लीजिए, यही सिलाई मशीन है जो बार बार टाप लेता है, यानी कि टाका छोड़ता है। तो इसमें क्या कमी है इसके बारे में पूरा वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। तो देख लीजिए, पहले क्या करना है इसमें, ये दाब को आपको खोल के निकाल लेना है, और दाब को निकालने के बाद में फिर इसका बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हमें कुछ कमी लग रहा है यहाँ सुई से, तो पहले हम इसको पहले चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो देख लीजिए, ये सुई जब मैं प्लेट के नीचे गिरता हूँ तो देख लीजिए, ये सुई जो है प्लेट से सट के चलता है, तो ये राड जो है इसका बैंड हो चुका है। अब ये राड को हमें सीधा कैसे करना है इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा मेरे भाई। तो देख लीजिए, पहले आप जो प्लेट का सुई का सुराख है, आप देख लीजिए प्लेट से कितना सट के सुई चलता है, एकदम देख लीजिए, एकदम सट के चलता है। तो जब प्लेट से टच होके चलेगा तो जब धागा नीचे जाएगा सुई के साथ, तो बस रगड़ के धागा काट देगा। तो अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो बस 5 मिनट लगता है मेरे भाई, 5 मिनट से भी कम लगेगा, सही हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, 5 मिनट क्या, बस 1 मिनट में सही होता है। तो बस मैं इसका धागा पहले निकाल लेता हूँ, और इसके बाद में आपको क्या लेना होगा, एक छोटा सा हथौड़ी लेना होगा, बहुत छोटा सा। तो बस देख लीजिए, इस जो राड है इससे सीधा करने के लिए इस पर ठोकना होगा, तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा मार देंगे तो ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा तो मशीन ही नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, देख लीजिए मैं एक दो बार में थोड़ा थोड़ा मार मार के हथौड़ी से, और राड को सीधा करके चेक करके मैं देख रहा हूँ। तो देख लीजिए, फिलहाल अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सीधा हुआ है या नहीं हुआ है, अभी आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो देख लीजिए कितना सही आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्त लाइक कर दीजिएगा, और हमारा वो ब्लॉग चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक है। तो देख लीजिए कितना अब सही हो गया, देख लीजिए एकदम बीचों बीच प्लेट के सुई में, प्लेट के सुराख में बीचों बीच में जा रहा है। तो अब ये फिलहाल वैसे हमारे, हम कह रहे हैं कि सही हो गया है, और इसको हम चल के अब सिल के दिखाते हैं आपको कि सही हुआ है या नहीं हुआ है, फिर आप बताइएगा। तो देख लीजिए, अब मैं दाब को जो खोला था उसे टाइट कर दिया हूँ, और यहाँ पे सुई सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, धागा लगाना है। तो चलिए नीचे धागा लगा हुआ है, इसे मैं सही कर देता हूँ, और ऊपर का धागा लगा करके, और इसी चिंदी पे मैं सिल के दिखाया था जो टाका छोड़ रहा है, यानी कि टाप ले रहा है, सिलाई छोड़ देता है बार बार। तो अब इसमें सिल के हम दिखाएंगे आपको कि सिलाई अब नहीं छोड़ेगा, बस ये छोटा सा कमी था, और भी कमी होता है सिलाई छोड़ने का कारण। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 2-4 कमी होता है। देख लीजिए, देख लीजिए पहले सिलाई मैं किया था तो देख लीजिए कैसे टाका छोड़ रखा था, देख लीजिए इस प्रकार इतना बड़ा बड़ा टाका छोड़ दिया था। और इसी के बगल में मैं एक सिलाई और मार के आपको दिखाऊँगा, देख लीजिए टाका छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। तो देख लीजिए मैं फिलहाल भी सिल रहा हूँ, देख लीजिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक भी टाका नहीं छोड़ रहा है। मैं भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ आपको, कि आपको विश्वास हो जाए। तो देख लीजिए, अगर आपके सिलाई मशीन में इस प्रकार टाका छोड़ रहा है तो
तो ये सुई क्यों बेंड हो जाता है, जिसे बार बार सुई टूटता जब है तभी ये बेंड हो जाता है राड, तो इसको सही कर लेना। तो मेरे दोस्त, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।